नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। है। सूद सर, केजरीवाल बाहर निकल आया है। आतिशी ने साफ साफ उसको पहले ही बोल दिया, शीश महल से बाहर निकल जाओ। संजय सिंह भी एमपी है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही थी सूत्रों की हवाले से कि वो अपनी एमपी की वो सदस्यता भी त्याग करने को तैयार था अगर उसे मंत्रालय वगैरह कुछ दिया जाए और किसी तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, वो भी नकार दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा ड्रामा किया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, जंतर मंतर में आपकी अदालत, जनता की अदालत बना के वहां पे, और क्वेश्चन किए जा रहे हैं किससे, मोहन भागवत आरएसएस के चीफ से, और उसको बीजेपी के खिलाफ भड़काया जा रहा है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये जनता की अदालत क्यों किया जा रहा है, और ये क्या ये हरियाणा की स्ट्रेटेजी का प्लान है, दिल्ली की जो इलेक्शन है उनका प्लान है, या फिर इसके पीछे केजरीवाल के और ही कुछ खतरनाक मंसूबे हैं? देखिए केजरीवाल, आप केजरीवाल आपको पता है कि सबसे करप्ट आदमी है, कोई इसके खिलाफ केस खत्म नहीं हुए और वहां पे जनता की अदालत कर रहा है। 10 साल तो कोई अदालत की नहीं इसने, अब क्यों अदालत कर रहा है? क्योंकि अदालत को बहुत भुगत चुका है। 33 बार केजरीवाल जेल के बेल के लिए, बेल नहीं मिली, और 34 बार इसको बेल मिली। बेल मिली एक्चुअली, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जी बेल हम कब तक जारी कर सकते हैं, कितने चार्जेस लगे इसके ऊपर। कहते हैं चार्जेस तो पक्के हैं, अगर चार्जेस नॉर्मल होते तो इसको बेल मिल जाती, या इसके ऊपर चार्जेस ना होते। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि केस फेंका, उन्होंने कहा केस तो बड़ा मजबूत है जिसके खिलाफ बनाया गया। अब ये आदमी अपने आप को झेप रहा है कि जेल से आया हूँ, जेल के खिलाफ मैं अदालत होल्ड करूंगा, अपने आप को दिखा रहा है कि भाई क्या मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ। सबसे झूठा आदमी केजरीवाल, सबसे करप्ट आदमी केजरीवाल, और केजरीवाल की करप्शन के तो चर्चे ही बहुत ज्यादा है, जितनी बात को वो कम है, और इसके ऊपर तो थीसिस लिखी जा सकती है केजरीवाल ने कैसे करप्शन पूछ की। रहा है ना जनता से, जनता की अदालत लगा के जंतर मंतर पे पूछ रहा है। आप दिल्ली की जनता, आप बताइए क्या मैं चोर हूं? देखिए मैं दिल्ली का हूं, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल बहुत बड़ा चोर है, डकैत है। सिर्फ यहाँ पे नहीं कि लिखकर का इसने घोटाला किया, इसने सारे घोटाले किए हैं, किसी को नहीं छोड़ा। पानी का घोटाला, बिजली का घोटाला, लोगों को लूटने का घोटाला, स्कूलों का घोटाला, स्कूल की एक एक दीवार को बनाने के, एक एक छोटा छोटा कमरा बनाने के लिए इसने कई कई लाख रुपए खर्च कर दिए। झूठ बोलता रहा केजरीवाल ने, के ऊपर तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा एक कैप्टन लिखना चाहिए, व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए बीजेपी को कि क्या जब पहली बार आया था केजरीवाल तो इसने 70 वायदे किए थे, 70 में से एक वायदा नहीं पूरा किया। 1 लाख टॉयलेट बनाऊंगा, दिल्ली के अंदर जितने भी टॉयलेट थे एक टॉयलेट नहीं बनाया, सिर्फ जो पुराने टॉयलेट बने थे उस पर अपनी फोटो लगा दी। ये क्वेश्चन तो अभी जनता को, दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए तो, लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है आरएसएस से, तो क्या इसने जानबूझ के आतिशी को इसलिए बनाया कि जनता इससे सवाल ना कर सके, और ये उल्टा सवाल करने पहुंच गया? बिल्कुल, देखिए देखा जाए तो आतिशी पे भी करप्शन के चार्ज है पेंडिंग, अभी वो केस स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन ये इसलिए सामने हट गया कि कोई इसको ना कहे तो करप्ट है, ये इसको जवाब ना देना पड़े। इसका जवाब देने के लिए जब कोई पूछेगा तो आतिशी जवाब दे देगी, बाकी दे देंगे, अपना जवाब खुद नहीं देता। देखिए केजरीवाल साहब कोई क्वेश्चन कर लीजिए, ये इसकी पार्टी के लोगों से कर लीजिए, मतलब सवाल कुछ होगा तो जवाब कुछ और देंगे, सीधा जवाब देते नहीं। दिल्ली के अंदर मैं लेक की सिटी बना दूंगा, 46 लेक बनानी थी दिल्ली के अंदर, कितनी बन गई? हाँ ये जरूर, बरसात के अंदर यहाँ पे 146 लेक बनी हुई थी दिल्ली में। 100%, ये कई बार हम बात भी कर चुके हैं इसके ऊपर, और दिल्ली की जनता आप सबको रट भी गए हैं, लेकिन नई चीज जो सामने आई है अभी, वो आरएसएस के ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं केजरीवाल के द्वारा कि भैया नड्डा जी ने ये कहा था कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो बीजेपी जो आरएसएस के कैडर हैं वो कितने नाराज होंगे, गुस्सा होंगे। और मोहन भागवत जी से ये भी मेरा सवाल है कि जो बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, करप्ट नेताओं को अपने बीजेपी में शामिल कर रही है, क्या ये आपकी आइडियोलॉजी से मेल खाता है? क्योंकि बीजेपी जो है वो आरएसएस की कोख से ही निकली है। ऐसे ऐसे 5 सवाल किए हैं, तो ये आरएसएस से सवाल पूछने का मतलब क्या है, और आरएसएस का आम आदमी पार्टी को समर्थन है क्या पीछे से? देखिए जब यहाँ पे मोहन भागवत आए थे पॉलिटिक्स के, आरएसएस के चीफ बन के 2015 में, 2014 में इलेक्शन हो गए थे दिल्ली के अंदर, पीएम मोदी पीएम बन चुके थे। इससे उस टाइम पे राजनाथ सिंह थे बीजेपी के प्रेसिडेंट, उन पे वहां पे जब मीटिंग हुई तो सारे लोगों ने उनके प्रेशर डाला कि मोदी जी को बनाओ, तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर प्रेशर था तो इसलिए मैंने मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया। उससे पहले गडकरी थे बीजेपी के प्रेसिडेंट, अगर गडकरी होते तो कभी भी पीएम मोदी को कैंडिडेट नहीं चुनते, इसको लड़ने ही देते इलेक्शन, क्योंकि गडकरी आरएसएस के क्लोज था, मोहन भागवत के रिश्तेदार था। इनकी जो मदर है गडकरी की, वो मोहन भागवत की कजन है, लेकिन गडकरी नहीं थे तो ही बात हुई। लेकिन मोहन भागवत जब पावर में आए तो मोहन भागवत जब आरएसएस के चीफ बने तो इन्होंने 2018 में गडकरी को प्रेजेंट करने की कोशिश की एज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वेव मोदी की थी,
पुलवामा हुआ तो बोला बालाकोट भी हो गया था, तो मोदी उस टाइम पे जीत गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2020 के दिल्ली के इलेक्शंस की, दिल्ली के इलेक्शन में आरएसएस ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। देखिए आरएसएस के कैडर बेस्ड पार्टी है और इसको आरएसएस के चीफ कंट्रोल करते हैं मोहन भागवत। ये नहीं है कि आरएसएस के लोग बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन इन्होंने उनको कोई ड्यूटी चार्ज नहीं की। बीजेपी उस टाइम पे वेट कर रही थी कि आरएसएस के लोग यहाँ पे हमारे बूथ पे बैठेंगे, लेकिन मोहन भागवत ने किसी को रिलीज नहीं किया। और उसके बाद बिहार से यहाँ पे लोग बिठाए गए अमित शाह के द्वारा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहन भागवत को अपने केजरीवाल ने कुछ आरएसएस को फंडिंग दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। अगर आप किसी तरीके से बात करो, मैं नहीं मानता कि आरएसएस के जो चीफ हैं या आरएसएस के लोगों के से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल कमिटमेंट है उनकी इंडिया के साथ। लेकिन ऊपर का जब आदमी आपके साथ ना हो तो क्या करेंगे? वो आज भी मोदी के साथ नहीं है। जब 2024 का इलेक्शन हो तो क्या मोहन भागवत बीजेपी के साथ थे, जबकि पीएम मोदी इनको स्पेशली लेके चले गए राम मंदिर के अंदर जब पूजा होनी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, नुकसान पहुंचाया बीजेपी को। तो केजरीवाल उसी का फायदा उठाना चाहता है कि आरएसएस को भगड़ाओ और आरएसएस को क्या कुछ खुश करो किस तरीके से, या बीजेपी का साथ ना दो। अगर केजरीवाल कहता है कि आरएसएस को, आरएसएस का क्या मतलब है बीजेपी को कहने का, किसको आप पार्टी में ले रहे हो किसको ले रहे, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका। और बीजेपी में कौन सा आदमी करप्ट है? अगर सबसे ज्यादा करप्ट 100% करप्ट लोग हैं वो तो आम आदमी पार्टी के अंदर है। बिल्कुल सुध सर, एक चीज और मैं यहाँ पूछना चाहूंगा। अब उसने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और दिल्ली की जनता जब कहेगी कि हाँ आप ईमानदार हैं, आप मुझे चुन के लाएंगे, तभी मैं यहाँ पर आऊंगा, तो एक तरीके से या तो वो कॉन्फिडेंस है कि वो आएगा, उसने कुछ रणनीति बना रखी होगी। 2020 की आपने बात की कि वहां पर बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था केजरीवाल का जीतना, उसे उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा 40-50 आएंगी, तो अगर जीत गया तो इतनी सीटें आएंगी, लेकिन 62 फिर भी आई थी, जिसका आपने बताया आरएसएस के लोगों ने खुद ही साथ नहीं दिया बीजेपी का, क्योंकि अंदर उनकी अलग ही चीजें चल रही हैं। लेकिन अब की बार वो सिर्फ इन चीजों से हटके कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा और ध्यान भटका दे वहां से, पिछले 5 साल का 10 साल का तो नहीं पूछेंगे, 5 साल में क्या एग्जैक्टली भैया तुमने हमें दिया है वो जनता ना पूछ ले, मेरा वही क्वेश्चन है। उसके लिए अगर बीजेपी को वहां पे काम करना तो क्या करना चाहिए? और दूसरी चीज जो मुझे लग रहा है, कल भी मैंने एक वीडियो में कहा था, जो SC ST के ऊपर बहुत तगड़ी पकड़ आम आदमी पार्टी ने बनाई हुई है, और बीजेपी के जो वहां पे लीडरशिप है दिल्ली में, वो अपनी ही लीडरशिप साबित करने में लगे रहते, वो एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, सिंगल काम कर रहे हैं लेकिन टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैंने कई बार कई लोगों के नजदीकी काम किया जब ये इलेक्शन होते हैं, अगर आप 2024 के इलेक्शन भी लगा लो तो यहाँ पे कोई बीजेपी कैंडिडेट खास नहीं निकले, मनोज तिवारी निकले या एक दो और कैंडिडेट निकले, बाकी तो अपने घर से चला रहे थे। इनके पास कुछ लोग होते हैं, उनको कह जाइए और वहां पे जाइए, अगर इन्होंने चक्कर काटे होते आपके झुग्गी झोंपड़ी के, देखो ज्यादातर झुग्गी झोंपड़ी जो है ना वहां पे केजरीवाल ने जो बिहार और यूपी के लोग थे उनको भगा दिया था जब यहाँ कोविड आया था, और वहां पे बांग्लादेशी बिठा दिए, तो वो तो केजरीवाल को वोट देंगे, केजरीवाल ने अपनी बेस तो बना रखी है इस चक्कर में। लेकिन बीजेपी के जो कैडर्स हैं या बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो अपने प्रॉपर कैडर नहीं इकट्ठे करते, तभी आप देखिए इस टाइम पे जब दिल्ली के अंदर इलेक्शन है ज्यादातर लोगों को हटा दिया जो इनके पुराने लीडर थे बीजेपी के, यानी कि जो इनके MP थे। और बीजेपी जो 2024 का इलेक्शन हारी वो इसलिए था कि इन्होंने किरण बेदी को कैंडिडेट बना दिया, जिसका कोई दिल्ली से टच नहीं था, यहाँ पे रही है पुलिस के अंदर, लेकिन केजरीवाल के साथ थी, और उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के कैडर को निगलेक्ट किया उससे फर्क पड़ा। उससे पहले हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन को एक्टिव भी नहीं थे किस तरीके से, ऑनेस्ट जरूर थे लेकिन एक्टिव नहीं थे। लेकिन बीजेपी इस टाइम पे अगर ढंग का कैंडिडेट खड़ा कर दे केजरीवाल के सामने जो सबको लेकर साथ चले, तो केजरीवाल की कोई औकात नहीं है कि बीजेपी को हरा दे या खुद जीत जाए। देखिए पहला जब इलेक्शन हुआ था दिल्ली के अंदर 2015 के अंदर, तो उस टाइम पे था कि केजरीवाल एक ईमानदार आदमी है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तब तक तो नहीं लोगों को पता था कि एक्चुअली क्या चीज है। लेकिन बाद में इसकी बातें खुली कि केजरीवाल का किसके साथ इम्पैक्ट है। देखिए एक तरफ इन्होंने राहुल गांधी को छोड़ा यहाँ पे मुस्लिम को इकट्ठा करो, और दूसरी तरफ केजरीवाल को किया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में दरार ले गया। दरार क्या है कि मोहन भागवत तो कुछ भी करने को तैयार है पैसे के चक्कर में, और अगर उनके पास कोई पैसा पहुंच गया कहीं से आरएसएस के फंड के लिए तो किसी को धोखा दे देंगे। जब वो 2024 से मोदी को धोखा दे सकते हैं तो अब भी कर सकते हैं कुछ। फिर जब 2020 का इलेक्शन था उसके पीछे एक तो बीजेपी का कैंडिडेट गलत था, फिर दूसरा है कि आरएसएस ने सपोर्ट नहीं किया बीजेपी को, तीसरा था कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए तो उससे इसको थोड़ा फर्क पड़ा, और चौथा रीजन है कि बीजेपी अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकी क्योंकि ये मेजर डिपेंड करती थी अपने आरएसएस के कैडर पे। इसीलिए नड्डा ने कहा कि हमें
कोई आरएसएस, क्योंकि आरएसएस उनको धोखा दे रही थी 2024 के इलेक्शन में भी, तो ही नड्डा की एक स्टेटमेंट है इसी कंटेक्स्ट के अंदर। लेकिन दूसरी बात है कि यहाँ पे जितने बीजेपी के लोग हैं सारे आरएसएस के। मेरी किसी आरएसएस वाले से बात हो रही थी, बड़ा सीनियर आदमी है, कहता मोहन भागवत ने बैठ करके वहां पे सत्यानाश कर दिया तो कांग्रेस से भी हाथ मिला लेगा, आम आदमी पार्टी तो छोड़ो। तो मोहन भागवत नुकसान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के कैडर इस टाइम पे शायद कुछ समझ चुके हैं, और बीजेपी ने तभी एक कैंपेन चलाया यहाँ पे कैडर का कि रजिस्टर करो अपने आप को बीजेपी के साथ। तो बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, और बीजेपी इस टाइम पे जो गलतियां कर चुकी है मुझे लगता है कि इस पर गलती करेगी। अगर दिल्ली में अच्छे से भाजपा के जो वहां पे जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो अच्छे से काम करते हैं, जो मेरा अनुमान कहता है, यहाँ पर अगर केजरीवाल की सरकार नहीं आई तो पंजाब में भी एक साल के अंदर अंदर सरकार गिर जाएगी जैसा मुझे लगता है, वहां पर भी टूट की पूरी आशंका है। आपका क्या मानना है? नहीं बिल्कुल, देखिए केजरीवाल की कोई, केजरीवाल एक बनना चाहता था नेशनल लीडर, गुजरात में लड़ा 5 सीटें मिली, मध्य प्रदेश में गया, गुजरात में, राजस्थान में, राजस्थान में गया, यूपी में गया, बिहार में गया, कहीं उसको कुछ नहीं मिला, हिमाचल में कुछ नहीं मिला, सिर्फ हाँ जवान थे जब तक सबकी, लेकिन सिर्फ इसको मिला पंजाब के अंदर, क्योंकि वहां पे खालिस्तान का काफी इन्फ्लुएंस चल रहा था उस टाइम पे, पैसे भी बहुत मिले इसको, और वहां पे कांग्रेस कमजोर हो गई थी। अगर वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने ना हटाया होता तो कांग्रेस आती, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए सिद्धू को भेज दिया, सिद्धू भी डिस्ट्रक्टिव माइंड का आदमी, सिद्धू को पहले अरविंद केजरीवाल ने ऑफर किया था कि तू मेरी पार्टी में आ जा, तो उसने कहा ठीक है, राजू को बीजेपी को छोड़ करके, और जब यहाँ पे आया तो केजरीवाल ने उसे कहा जी मेरी बीबी को भी वोट दे, सीट दे दो, केजरीवाल ने मना कर दिया, क्योंकि केजरीवाल का एजेंडा यह था कि यहाँ पे दिल्ली में हूं मैं पंजाब भी जीतूं, और पंजाब में जीत करके केजरीवाल पंजाब का सीएम बनना चाहता था, लेकिन सिखों ने मना कर दिया कि केजरीवाल को पंजाब का, हम नॉन सिखों तो बनने ही देंगे, तो इसका सपना टूट गया, क्योंकि वहां इसको पुलिस मिलती। और आप देखिए जब केजरीवाल पावर में था, एक रिपोर्टर वो गई थी पंजाब के अंदर, उसने इसने उसको मान को कह करके उसको बंद करवा दिया जेल के अंदर, तो इसको दिल्ली के अंदर पुलिस आने दो, खुला कहता था ये तो। हाँ तो लेकिन ये है कि चलो अब केजरीवाल, मुझे लगता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, देखते हैं केजरीवाल के लोग इसको कितना भूल पाते हैं। जितनी केजरीवाल ने गंद बचाया दिल्ली के अंदर, जितनी करप्शन की है, और बीजेपी अगर यूनाइटेड होकर के आरएसएस उसके साथ हो तो बीजेपी यहाँ पे हैंड्स डाउन जीत जाएगी। लेकिन आप आरएसएस भरोसा नहीं कर सकते जब तक वहां पे इनका आरएसएस का चीफ चेंज नहीं होता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस के चीफ है वो 10 साल का टेन्योर है उनका, वैसे इनका टेन्योर लाइफ लॉन्ग है, 10 साल के बाद उनको हट जाना चाहिए। वैसे बीजेपी आरएसएस के अंदर आवाज भी उठ रही है कि मोहन भागवत को इस टाइम पे रिजाइन कर देना चाहिए, और रिजाइन करना भी चाहिए उन्होंने, क्योंकि जितना हाल मोहन भागवत ने आरएसएस का बुरा किया किसी ने नहीं किया। आप देखिए वाजपेयी के टाइम में, अगर वाजपेयी इलेक्शन नहीं जीते थे 2004 में, तो उस टाइम पे आरएसएस ने उनको धोखा दिया। अच्छा एक चीज और है सर, अभी आप बता रहे हैं जो रेजिग्नेशन की, ये सवाल केजरीवाल ने भी कहा है, उन्होंने कहा है लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी, उन्होंने 75 साल की समय सीमा जो तय की थी, तो क्या मोदी जी भी अगले साल वो भी हट जाएंगे कि 74 के हो गए आई थिंक, तो क्या वो अगले साल हट जाएंगे? अगर नहीं हटेंगे तो उनके ऊपर ये चीज लागू क्यों नहीं होती? क्योंकि अमित शाह जी ने कहा ये तो अभी 10 साल और शासन करेंगे, तो एक तरीके से भड़काया जा रहा है वहां पे, तो क्या लगता है कि, हमने एक वीडियो भी की थी इसके ऊपर, बताइए। जब तक देश सुरक्षित हाथों में नहीं जाएगा मोदी जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, मोदी जी को यहाँ पे लोग हटने ही देंगे प्राइम मिनिस्टर की सीट से जब तक देश को कोई सुरक्षित प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा, चाहे मोदी हो चाहे कोई हो, मोदी सीट को तब छोड़ेंगे, मोदी को हरा नहीं सकता, सीट तब छोड़ेंगे जब यहाँ पे कोई नया उनको ऐसा आदमी मिलेगा जो देश को प्रॉपर संभाल पाए, एजेंडे पे ले पाए, और इस टाइम पे देश एक खतरे के रास्ते से गुजर रहा है। यहाँ पे देश के अंदर ताकतें बनी हुई है, अपोजिशन के लोग देश को बर्बाद करने में चक्कर में लगे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग स्पेशली जो करप्ट लोग हैं सारे के सारे, क्योंकि करप्शन के लोग वाले लोग चाहते हैं कि मोदी हटे, हम करप्शन करें, हमारे पे कोई गुली ना उठाए, और इसीलिए केजरीवाल जैसे लोग मोदी से क्वेश्चन पूछ, तुम अपना बोलो ना कि तुम क्यों रिजाइन करते जब तुम्हारे पे करप्शन के चार्जेस लगे, तुम तो कह रहे थे मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मेरे पे कोई एलिगेशन उंगली उठाएगा तो मैं सिसोदिया को भी निकाल दूंगा, तुम क्यों नहीं निकलते पावर से, तुम क्यों चिपके हो पावर से, इसे चिपके कि गद्दी पे चिपक जाते, दूसरे पे चार्ज लगाएंगे, अपना कुछ नहीं कहेंगे। केजरीवाल झूठा आदमी है, मकार आदमी है, मकारियां करता है, बाकी इशू पे बात नहीं करता, इशू पे कोई बात नहीं होती।
चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है, आरएसएस की तरफ से क्या बयान आता है, क्योंकि मोहन भागवत से मुझे भी कम ही आस है। आशा करते हैं कि वो साथ मिलकर काम करें और बीजेपी को मजबूत करें, क्योंकि आरएसएस अब जो मोंडड्डा जी ने बात कही थी वो कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड में से हम देखें तो वो सही भी है, क्योंकि जो आरएसएस में जो कैडेट्स हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि वो आरएसएस में है, वो बीजेपी की मोदी जी की विचारधारा से जो इस टाइम पे देशभक्ति की है उसके ऊपर चल रहे हैं आई थिंक। बट सबसे बड़ा आसान तरीका यही होगा कि मोहन भागवत को वहां से हटा दिया जाए या रेजिग्नेशन वो दे दे, तो इसमें सबका ही भला होगा। बट बहुत बहुत धन्यवाद, देश का भला होगा, देश का भला होगा, हिंदुओं का भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सूत सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।